हेलो फ्रेंड्स, जावा लैंग्वेज को सीखने के सीरीज में आज मैं आपको बताऊंगा अपना लेक्चर नंबर 6 में कि हाउ टू क्रिएट अ मोर देन वन क्लास इन अ सिंगल जावा फाइल, कि किस तरीके से हम एक या एक से ज़्यादा क्लास फाइल को बना सकते हैं अपनी एक सिंगल जावा फाइल के अंदर, राइट? तो कैसे हम नेमिंग करेंगे, कैसे हम कंपाइल करेंगे, कैसे हम रन करेंगे, इससे प्रीवियस लेक्चर के सीरीज में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम एक डॉक्यूमेंटेशन फाइल बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ जावा डॉक टूल, कि सन माइक्रो सिस्टम ने हमें जो अपने स्टैंडर्ड बना के दे रखे हैं, जो कोर लाइब्रेरीज बना के दे रखे हैं, जो प्री डिफाइंड हमें कंस्ट्रक्टर बना के दे रखे हैं, जो प्री डिफाइंड हमें फंक्शंस बना के दे रखे हैं, तो हम किस तरीके से उनको एक डॉक्यूमेंटेशन में एक अपने फेवरेट ब्राउजर में रीड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जावा डॉक टूल, राइट? तो आज हम पढ़ेंगे कि एक सिंगल जावा फाइल के अंदर अगर हम मोर देन वन क्लास की डेफिनेशन करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो कैसे हम उसकी नेमिंग करेंगे, कैसे कंपाइल करेंगे और कैसे रन करेंगे। इससे पहले मैं आपको अपने पहले प्रोग्राम के अंदर आपको ये बता चुका हूँ कि मैंने किस तरीके से एक सिंगल जावा फाइल में अपनी अभी तक एक क्लास बनाई और उसमें मैंने अभी एक मेन मेथड रखा और कैसे उसकी नेमिंग करी, कैसे उसकी कंपाइलेशन करी, कैसे उसकी रनिंग करी, राइट? अब हमारे सामने ये सिचुएशन है कि हम अपनी एक सिंगल जावा फाइल में जब मोर देन वन क्लास एक ही जावा फाइल के अंदर रखते हैं तो उसकी किस तरीके से नेमिंग की जाती है, कैसे वो कंपाइल किया जाता है, कैसे वो रन किया जाता है। दोस्तों, इस लेक्चर को पढ़ाने का मेरा मेन मकसद ये है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपका बहुत ज़्यादा ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और जब आप डेवलपमेंट में प्रोग्रामिंग करते हो तो तब ये सिनेरियो आपके सामने बहुत ज़्यादा आएगा कि क्योंकि अभी तक मैंने आपको पहला प्रोग्राम बताया जिसमें मैंने अपनी एक ही क्लास रखी, एक मेन मेथड रखा, तो जब आप डेवलपमेंट करोगे, प्रोग्रामिंग करोगे, तो आपको बहुत सारी क्लास के साथ काम करना पड़ेगा एक ही सिंगल जावा फाइल के अंदर। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि किस तरीके से हम नेमिंग करते हैं, कैसे कंपाइल करते हैं और कैसे रन करते हैं। तो इसको मैंने 5 सिनेरियो में डिवाइड किया है, राइट, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि कैसे हम नेमिंग करेंगे, कैसे कंपाइल करेंगे, कैसे रनिंग करेंगे। तो दोस्तों, इसको एक्सप्लेन करने से पहले, स्नैरियो एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कुछ एक्सेस स्पेसिफायर बता देता हूँ कि हमारी जावा में 4 तरह के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। हालांकि मेरे दोस्तों, मैं आगे आपको एक्सेस स्पेसिफायर का चैप्टर बहुत अच्छे से समझाऊंगा, एक एक प्रोग्रामिंग आपको हर एक कीवर्ड के साथ दूंगा। फिलहाल अपनी नॉलेज में ये डालिए कि हमारी जावा में 4 तरह के एक्सेस स्पेसिफायर कीवर्ड होते हैं। यहाँ बताने का मेरा मकसद ये है क्योंकि जो मैं आगे 5 सिनेरियो आपको बताऊंगा, डिफॉल्ट और पब्लिक, इन दोनों से ही आगे सिनेरियो एफिलेटेड है, इसलिए मैंने आपको ये की टाइप्स बताए। हालांकि मैं आगे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो जावा में 4 तरह के कीवर्ड होते हैं। अगर आप दोस्तों सी प्लस प्लस से फेमिलियर है तो उसमें हम 3 कीवर्ड होते थे, एक्सेस स्पेसिफायर होते थे, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। आप इन कीवर्ड को क्लास के साथ भी लगा सकते हो, डेटा मेंबर के साथ भी लगा सकते हो, मेंबर फंक्शन के साथ भी लगा सकते हो, या कंस्ट्रक्टर के साथ भी लगा सकते हो, राइट? हमारी जावा में 4 तरह के कीवर्ड होते हैं, पब्लिक होते हैं, प्राइवेट होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं, डिफॉल्ट होते हैं। डिफॉल्ट कब होते हैं कि जब आप किसी भी क्लास के आगे कोई कीवर्ड डिफाइन नहीं करते, कोई एक्सेस स्पेसिफायर डिफाइन नहीं करते, तो वो बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट कीवर्ड एज अ ट्रीट होता है, राइट? तो आइए अब हम देखते हैं अपना पहला सिनेरियो जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम एक सिंगल जावा फाइल में अपनी 2 क्लास डिफाइन करते हैं। आप चाहो तो दोस्तों 3 क्लास रखो, आप चाहो तो 4 क्लास रखो। फिलहाल मैंने एग्जाम्पल के लिए 2 क्लास रखी है जिससे आपको इजीली समझ आ जाएगा, जो काम मैं 2 क्लास पे करूँगा वो काम आप 3 क्लास पे भी कर सकते हो, वो काम आप 4 क्लास पे भी कर सकते हो, राइट? तो आइए, तो देखिए स्लाइड में जिस तरीके से मैंने प्रोग्राम को मेंशन किया हुआ है, मैंने क्लास के आगे दोस्तों कोई भी कीवर्ड नहीं लगाया, ना मैंने क्लास 1 के आगे कोई कीवर्ड लगाया, ना मैंने क्लास 2 के आगे कोई कीवर्ड लगाया, राइट? तो आप इसको देखते ही समझ जाओगे, स्नैरियो को देखते ही समझ जाओगे। जब भी आप कभी प्रोग्रामिंग करोगे या कोई जब आप इंटरव्यू पे आपके सामने ये प्रोग्राम रखा जाएगा तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये तो डिफ़ॉल्ट कीवर्ड से ट्रीटेड है। तो अब इसकी किस तरीके से हमें नेमिंग करनी है, नेमिंग का मतलब है कि कैसे हम कौन सी क्लास फाइल होगी जिसको हम नाम से सेव करेंगे और कैसे हम कंपाइल करेंगे, कैसे रन करेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम तब नहीं आती जब हमारी सिंगल जावा फाइल में केवल एक ही क्लास होती है, प्रॉब्लम तब आती है जब हमारी क्लास में मोर देन वन क्लास होती है, तब उसकी कैसे कंपाइलिंग होगी, नेमिंग होगी और रनिंग होगी, ठीक
ठीक है, तो ये मेरा पहला स्नैरियो है जिसके अंदर मैंने अपनी दोनों क्लास को डिफॉल्ट कीवर्ड से ट्रीट किया है, राइट। तो आइए सबसे पहले हम प्रोग्राम को बना लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। मैंने क्लास बनाई, क्लास का नाम रखा क्लास 1। इसके अंदर मैंने अपना एक मेन मेथड बनाया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। आप इस कॉम्बिनेशन से अच्छे से एक्टिव होंगे। सिस्टम डॉट सॉरी स्ट्रिंग आर्ग्स। दोस्तों मैंने एक क्लास और बनाई जिसका नाम मैंने रखा क्लास 2 के नाम से। इस क्लास के अंदर मैं एक मेथड बनाऊंगा और उस मेथड को मैं स्टैटिक बनाऊंगा। अभी मैं आपको बताता हूँ स्टैटिक वर्ड मेथड ऑफ क्लास 2, राइट। इस मेथड के अंदर मैंने हेलो प्रिंट कराया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पर मैंने दोस्तों हेलो प्रिंट कराया, राइट। स्टैटिक चीज़ों के बारे में मैंने आपको अपने पहले प्रोग्राम के अंदर एक्सप्लेन किया था स्टैटिक चीज़ें क्या होती है। अगर आप किसी भी क्लास में किसी भी मेंबर या किसी भी डेटा मेंबर को अगर आप स्टैटिक रखते हो तो उसको हम डायरेक्टली क्लास के नेम से कॉल कर सकते हैं। तो हालांकि स्टैटिक और नॉन स्टैटिक के बारे में मैं आगे आने वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाऊंगा, फिलहाल आप नॉलेज में डालो कि स्टैटिक चीज़ें होती है जिनको हम डायरेक्टली क्लास के नेम से कॉल कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने अपनी पहली क्लास में से इस क्लास 2 के स्टैटिक मेथड को डायरेक्टली कॉल किया, राइट। तो मुझे प्रिंट हो जाना चाहिए हेलो, राइट। तो अब इसकी कैसे नेमिंग होगी तो हम देखते हैं कि हम इसको कैसे, इस प्रोग्राम को कैसे सेव करेंगे, कैसे कंपाइल करेंगे, कैसे रन करेंगे, क्योंकि ये एक सिंगल क्लास नहीं है, इसमें 2 क्लासेस है एक सिंगल जावा फाइल के अंदर। तो आइए इस फर्स्ट सिनेरियो की नेमिंग कैसी होगी। यू कैन सेव दिस प्रोग्राम विद एनी नेम, राइट। आप इस प्रोग्राम को किसी भी नाम से सेव कर सकते हो, क्लास 1 डॉट जावा के नाम से भी सेव कर सकते हो, क्लास 2 डॉट जावा के नाम से भी सेव कर सकते हो, या किसी भी एनीथिंग डॉट जावा के नाम से सेव कर सकते हो। तो फिलहाल मैं प्रैक्टिस के लिए क्लास 1 के नाम से इसको सेव कर रहा हूँ, आप क्लास 2 के नाम से भी सेव करके देख सकते हो। इसको मैं सेव करूँगा अपनी डी डायरेक्टरी में कोर जावा, और इसको मैंने सेव किया क्लास 1 डॉट जावा के नाम से, राइट। अब बारी आती है कंपाइल करने की, तो अब मैं इसको कंपाइल करूंगा। तो यू हैव टू कंपाइल दिस प्रोग्राम विद द नेम यू हैव गिवन, राइट। तो जो भी आपने, जिस भी नाम से आपने सेव किया है आप दे सकते हो वही क्लास का नाम रखोगे, राइट। अगर मैंने क्लास 1 दी है तो आप क्लास 1 डॉट जावा करोगे, आपने क्लास 2 दिया है तो क्लास 2 डॉट जावा, और अगर आपने कोई और नाम दिया है तो आप उससे करोगे, राइट। तो व्हेन यू कंपाइल अ जावा फाइल, अब दोस्तों ये स्टेटमेंट बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि अभी तक मैंने एक सिंगल जावा फाइल में केवल एक ही क्लास के बारे में बताया था, तो हमारी एक ही डॉट क्लास फाइल बनी थी। लेकिन अब देखना कि ये स्टेटमेंट क्या कहती है, कि जब आप कंपाइल करोगे जावा फाइल को जिसके अंदर आपकी 2 क्लासेस है, तो डॉट, तो नंबर ऑफ डॉट क्लास फाइल जनरेटेड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ क्लास डेफिनेशन। तो जितनी भी आपकी जावा फाइल में क्लास होगी उतनी ही आपका बाइट कोड बनेगा, राइट। तो ये चीज़ स्टेटमेंट देना, डेट इज़ इफ अ जावा फाइल हैज़ 1 क्लास डेफिनेशन तो 1 डॉट क्लास फाइल विल बी जनरेटेड, जैसा कि मैंने आपको पहले कराया था। और अगर आपने 2 क्लास की डेफिनेशन कर रखी है तो आपकी 2 क्लास विल बी जनरेटेड एंड सो ऑन, राइट। ऐसे ही आप 3 बनाओगे तो 3 बनेगी, 4 बनाओगे तो 4 बनेगी। तो मैंने इसको सेव किया, अब मैंने जिस डायरेक्टरी के अंदर सेव किया, जैसा कि आप जानते हो वहाँ पर नेविगेट होके हमें कमांड प्रॉम्प्ट से करना होगा, तो क्लास 1 डॉट जावा, जैसे ही मैंने कंपाइल किया, ओके ये देखिए मैंने आपको बताया था अगर आपका कंपाइल टाइम एरर होगा तो वो आपको लिस्टेड कर देगा, नहीं होगा तो सक्सेसफुली आपका कंपाइल है तो आप अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हो। तो मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में जब हेलो प्रिंट किया तो मेरी यहाँ पर मिस्टेक थी, उसने हर एक बताया कि आपकी इस लाइन में ये एरर है। क्लियर द स्क्रीन, मैंने अगेन वही कमांड रखी जवैक क्लास 1 डॉट जावा, अब देखिए कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं है, रन करने के लिए सेम वही क्लास 1 डॉट जावा, राइट हेलो। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपनी सेम डायरेक्टरी में, ये देखिए दोस्तों क्लास 1 डॉट क्लास एंड क्लास 2 डॉट क्लास, राइट। तो आपने एक क्लास को कंपाइल किया और आपकी 2 क्लास जनरेट होगी, ऐसी अगर आपकी 3 क्लास की डेफिनेशन होगी तो 3 जनरेट होगी, ऐसी 4 की होगी तो 4 जनरेट होगी, बस
एक चीज अपने माइंड में याद रखना कि जिस भी क्लास के अंदर आपका मेन मेथड है दोस्तों, केवल उसी क्लास से ही आप अपने प्रोग्राम को रन कर पाओगे, क्योंकि मैं ये रूल आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप अपनी एक सिंगल जावा फाइल में कितनी भी क्लास बनाओ, एक क्लास ऐसी बनाओगे जिसमें आपका मेन मेथड होगा, क्योंकि उसी मेन मेथड के अंदर से आपकी सारी क्लास की एग्जीक्यूशन चलेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरी इस क्लास में मेन मेथड है और मैंने इस क्लास को इस मेन मेथड से चला दिया, राइट। तो ये हमारा जावा का रूल है। ये देखिए मैंने रनिंग में लिख रखा है कि डेट मीन्स फॉर दी अबाव प्रोग्राम, जो हमने प्रोग्राम डिफाइन किया है जिससे हमारी दो डॉट क्लास फाइल जनरेट हुई है, अब इसकी बारी आती है रन करने की। तो आप करोगे इसको जावा क्लास वन, मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है कि अब आपके सामने सिचुएशन आई कि आप इसको जावा क्लास वन के साथ करोगे या जावा क्लास टू के साथ करोगे, तो आप इसको जावा क्लास वन के साथ करोगे, क्योंकि एग्जीक्यूशन ऑफ एनी जावा प्रोग्राम स्टार्ट विद मेन मेथड। तो अगर आप इसको ट्राई करते हो क्लास टू के साथ, तो आपको कंपाइल टाइम एरर देगा, क्लास टू के अंदर मेन मेथड हमने फाइंड नहीं किया। मैं आपको एरर दिखा देता हूं कि आप अगर जावा करके क्लास टू के साथ अगर करते हो, जैसे ही आप एंटर करोगे बड़ी खूबसूरती से आपको एक एरर देगा कि भाई क्लास टू में हमने मेन मेथड फाइंड नहीं किया, तो इसलिए हम आपके प्रोग्राम को नहीं चला सकते, पहले आप मेन मेथड डिफाइन कीजिए तब हम आपके प्रोग्राम को चलाएंगे, राइट। तो पहला सिनेरियो मेरा बताने का ये मेन मकसद था कि अगर हमने अपनी सिंगल जावा फाइल में दो क्लास बना रखी है, दोनों के आगे अगर हमने कोई कीवर्ड नहीं लिख रखा तो वो डिफॉल्ट होता है, उसको कैसे कंपाइल करते हैं, कैसे नेमिंग देते हैं, कैसे उसकी रनिंग की जाती है, राइट। अब आता है मेरा सेकेंड सिनेरियो। तो सेम प्रोग्राम में मैं एक लिटिल मॉडिफिकेशन करूंगा, अपने क्लास वन को क्या बना दूंगा, आगे पब्लिक बना दूंगा, तो तब हम कैसे नेमिंग करेंगे, कैसे कंपाइल करेंगे, कैसे रन करेंगे, वो क्या सिचुएशन आएगी मैं आपको बताता हूं। तो पहले मैं इन दो टोट क्लास को डिलीट कर देता हूं। अब मैंने अगर अपनी इस क्लास के आगे, क्लास वन के आगे पब्लिक लिखा, राइट, अगर मैंने पब्लिक कीवर्ड लिखा, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर कीवर्ड अगर मैंने लिखा इस प्रोग्राम के आगे, तो अब मैं इसको कैसे कंपाइल करूँगा, क्योंकि मैंने क्लास टू के आगे तो कोई नहीं लिखा, क्योंकि अब ये कैसा कीवर्ड है, डिफ़ॉल्ट कीवर्ड है। मैंने आपको बताया था अगर किसी भी क्लास के आगे कोई कीवर्ड नहीं है तो वो क्या क्रिएट होता है, डिफ़ॉल्ट होता है। तो अब इसकी कैसे हम नेमिंग करेंगे, देखिए द नेम ऑफ द जावा फाइल मस्ट बी ओनली क्लास वन डॉट जावा, राइट। तो अब आपके सामने पहले वाली कंडीशन हट चुकी है, क्योंकि अब आपकी एक क्लास पब्लिक है, एक क्लास आपकी डिफ़ॉल्ट है, अब आप इस प्रोग्राम को उसी क्लास के नाम से सेव करोगे जिसमें आपका पब्लिक है। ये जावा का रूल है कि अगर आपने अपनी जावा की फाइल में तीन क्लास बना रखी है, अगर आप किसी फाइल को पब्लिक बना रहे हो, चाहे उसमें मेन मेथड हो चाहे ना हो, क्योंकि मैं अगले सिनेरियो में मेन मेथड जिस क्लास में नहीं है मैं उसको पब्लिक बनाऊंगा, तो उसी नाम से सेव करूंगा जिसमें पब्लिक है। अगर मैं ट्राई करूंगा किसी और नाम से तो वो बोलेगा कि पब्लिक है तो आप क्लास वन से कीजिए, ठीक है। तो क्लास वन इज पब्लिक, शुड बी डिक्लेयर इन अ फाइल नेम क्लास वन डॉट जावा लाइक। तो क्लियर द स्क्रीन। तो अगर मैंने क्लास वन के नाम से इसको सेव कंपाइल किया तो सक्सेसफुली कंपाइल हुआ, और अब आती है रनिंग की बारी। रनिंग मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जिसके अंदर आपका मेन मेथड होगा वहीं से ही आपका ये चलेगा प्रोग्राम, राइट। और अगेन वही दो बाइट कोड क्लास बनी होगी, क्लास वन और क्लास टू डॉट जावा, राइट, डॉट क्लास। तो आप इसको प्रैक्टिस करके देखना कि अभी मैंने क्लास वन के नाम से सेव किया, अगर आप इसको क्लास टू के नाम से सेव करोगे तो क्या एरर आपके सामने आएगी, राइट। तो कंपाइल का मैंने बता दिया, ओनली वन नेम इज़ अलाउड, तो आप जावा क्लास वन के साथ ही कर सकते हो, क्लास टू के साथ नहीं कर सकते, राइट। रन करने के लिए जावा क्लास वन, बिकॉज दिस इज ओनली क्लास डेट एज मेन मेथड, राइट। अब आपके सामने आता है थर्ड सिनेरियो, जिसमें मैं इसी सेम कोड के अंदर एक लिटिल मॉडिफिकेशन करने वाला हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, अब मैं क्लास टू को पब्लिक रखूँगा, क्लास वन को मैंने क्या रखा, डिफ़ॉल्ट रखा। अब मेरे सामने क्या सिचुएशन है, अब देखना, अगर मैंने इस पब्लिक कीवर्ड को हटा दिया तो आपको वो प्रीवियस वाली स्टेटमेंट भी क्लियर हो जाएगी। और मैंने इसको अब सेव किया, सेव किस नाम से कर रहा हूँ दोस्तों, क्लास वन के नाम से सेव कर रहा हूँ, बट मुझे जावा का रूल कहता है कि जो क्लास आपने पब्लिक ले रखी है आप उसी क्लास के नाम से सेव करोगे, कंपाइल भी उसी से करोगे, लेकिन रन उसी से करोगे जिसके अंदर आपका मेन मेथड है। अब देखना बड़ी खूबसूरती से एरर दिखाई देना चाहिए हमारे को। तो जावा क्लास वन डॉट जावा, ये देखिए क्लास टू इज पब्लिक, शुड बी डिक्लेयर इन अ फाइल नेम क्लास टू डॉट जावा, राइट। तो आपको क्या करना है, फाइल को सेवा कॉपी एज क्लास टू डॉट जावा, राइट। तो मैंने इस
डॉट क्लास फाइल को हटा दिया है, अब ये क्लास टू के नाम से मेरी सेव है, राइट। वन मिनट, यस राइट। तो अब मैं इस प्रोग्राम को चलाऊंगा क्लास टू के साथ, तो जवैक मैंने चलाया क्लास टू के साथ, तो ये बहुत अच्छे से कंपाइल हो जाएगी। अब आप क्लास टू के साथ नहीं कर सकते क्योंकि ये आपको एरर देगा, मेन मेथड जी नहीं मिला, तो आपका क्या हो गया क्लास वन, और सॉरी क्लास वन, और आप रन करोगे क्योंकि आपका मेन मेथड इसके अंदर है और वो आपकी दूसरी क्लास को चला देगा, राइट। तो इसकी देखिए नेमिंग कैसे है, द नेम ऑफ द अबव जावा फाइल मस्ट बी ओनली क्लास वन, सॉरी ये प्रोग्राम हम कर रहे थे, थर्ड स्नैरियो देख रहे थे, हाँ नेमिंग। तो अब आपने क्लास टू को पब्लिक बनाया तो आपको क्लास टू के नाम से ही सेव करना है, कंपाइल भी इसी से होगा लेकिन रन उससे होगा जिसके अंदर आपका मेन मेथड है। अगर आप क्लास टू के साथ ट्राई करोगे तो बोलेगा कि मेन मेथड इज़ नॉट फाइंड, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है। अब आपके सामने फोर्थ स्नैरियो क्या आता है कि दोनों ही क्लास को अगर आप पब्लिक करोगे तब आपके सामने क्या सिचुएशन आती है, ढंग से देखना, अच्छे से देखना अपने माइंड में, अच्छे से ये पाँचों के पाँचों स्नैरियो याद रख लेना, अपने माइंड में डाल लेना, क्योंकि डेवलपमेंट में आगे जब आप प्रोग्रामिंग करोगे, इंटरव्यू दोगे, बहुत ज़्यादा ये चीज़ यूज़ होने वाली है। तो अब प्रॉब्लम क्या आएगी, अब आपने इसको भी पब्लिक बना दिया और इसको भी पब्लिक बना दिया, क्लास वन को भी पब्लिक बना दिया, क्लास टू को भी पब्लिक बना दिया, अब क्या सिचुएशन आएगी, अब ये कंपाइल ही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जावा का रूल है कि अभी मैं आपको बताता हूँ, अगर आप कीजिए क्लास टू के साथ कीजिए आपको एरर देगा कि क्लास वन इज़ पब्लिक शुड बी, बिल्कुल आपकी क्लास वन भी पब्लिक है, क्लास टू भी पब्लिक है, राइट। तो जावा का एक रूल है, जैसा कि अभी नेमिंग की बात आई कि वट एवर यू गिव द नेम, वेदर इट इज़ क्लास वन या क्लास टू या कुछ भी दे सकते हो, यू विल गेट द कंपाइल टाइम एरर वन जावा फाइल, ये जावा का रूल है। आप जब भी एक सिंगल जावा फाइल बनाते हो उनमें आपकी एक क्लास ऐसी होनी चाहिए जिसमें डिफ़ॉल्ट रेट आगे कुछ ना लगाओ तो वो डिफ़ॉल्ट हो और आगे पब्लिक हो, ठीक है, एक क्लास ऐसी होनी चाहिए आपकी एक सिंगल जावा फाइल में, दोनों क्लास या तीनों क्लास आपकी पब्लिक नहीं होनी चाहिए, तो ये वही रूल बता रहा है, राइट। एंड द लास्ट स्नैरियो हमारा आता है फिफ्थ स्नैरियो आता है, जो मेरा फिफ्थ स्नैरियो जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी बनता है कि कैन वी डिफाइन मेन मेथड टू एवरी क्लास फाइल, कि क्या आप मेन मेथड को हर एक क्लास फाइल के अंदर बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आज आपको एक बात ज़रूर बता देता हूँ, इंटरव्यू में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, आप इसको लिख भी लीजिएगा कि क्या हम मेन मेथड को हर एक क्लास में बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, बट एक बैड प्रोग्रामिंग है, जब आपका काम एक ही क्लास के मेन मेथड से होके हो सकता है तो आप क्यों हर एक क्लास के लिए मेन मेथड बनाओगे। जैसा कि मैंने आपको पहला स्नैरियो दिखाया जिसके अंदर मैंने अपनी एक क्लास ली और जिसमें मैंने अपनी एक क्लास ली उसमें मेन मेथड रखा, दूसरी क्लास बनाई और उसी दूसरे क्लास को उसी एक क्लास के मेन मेथड से मैंने एक्सिक्यूट करा दिया, तो बस यही चीज़ वो पूछना चाहता है। अगर आप इस क्लास को चलाओगे तो मैं दिखा देता हूँ, यू कैन सेव दिस प्रोग्राम विद एनी नेम, आप इस प्रोग्राम को किसी भी नाम से सेव करो क्योंकि देयर इज़ नो पब्लिक क्लास, और कंपाइल यू हैव टू कंपाइल दिस प्रोग्राम विद अ नेम हैव गिवन, अगर आपने क्लास वन दिया है तो क्लास वन से कीजिए, क्लास टू दिया है तो क्लास टू से दिया, या कोई और दिया है तो कुछ और से कीजिए। नोटिस ये चीज़ रखना कि आप क्लास वन के जो मेन मेथड में जो प्रिंटिंग हो रही है वो क्या है, फ्रॉम क्लास वन और क्लास टू, क्योंकि क्या है यहाँ पर आपकी दो क्लास जनरेट होगी। अब आप जब जावा क्लास वन करके प्रिंट कराओगे तो आपको प्रिंट होएगा फ्रॉम क्लास वन, और जब आप क्लास टू करके कराओगे तो आपका प्रिंट होगा फ्रॉम क्लास टू, राइट। तो बट ये बैड प्रोग्रामिंग होती है, आप क्या कीजिए, सबसे अच्छी प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट में ये रहती है, आप एक सिंगल जावा फाइल में मोर देन वन क्लासेस बनाइए, लेकिन एक क्लास ऐसी बनाइए जिसमें मेन मेथड होगा और उसी मेन मेथड के अंदर अपनी सारी क्लास को एग्जीक्यूट करा दीजिए वाया इंस्टेंशिएट करके या वाया इनहेरिट करके, राइट। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो दोस्तों तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए, यदि आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो आप इसे ज़रूर शेयर कीजिए, यदि आपको लगता है कि आपको किसी बात डिटेल में पूछनी है, इस लेक्चर से रिलेटेड कोई कमेंट, आपको कोई फीडबैक करना है तो आप कमेंट के जरिए कर सकते हैं। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि इस तरह के वीडियो मैं जावा की सीरीज में आपके लिए अच्छे से डालता रहूँगा जो कि आपके लिए यूज़फुल रहेगा। थैंक यू दोस्तों।